13 सितंबर को शक्ति ब्लॉक स्तरीय किसान विधेयक बिल पास करने के विरोध को लेकर शक्ति ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रकट करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही कुंवर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि किसान विधेयक बिल देश के किसानों को गर्द में ले जाने वाला झूठ का पुलिंदा है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है। मोदी खिलाफ जो इसने कृषि बिल को लोकसभा में राज्यसभा पास किया उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। इसमें तीन कानून है। पहला कानून ये है कि ये सीधा मंडी को खत्म करना चाहते हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्ट के हाथों में सौंपना चाह रहे हैं। और तीसरा है जो आवश्यक पैदावार धान है और किसान है उनको समाप्त करके इन लोग बिचौलिया को करना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा लॉकडाउन समय में आप लोगों को सामान सब्जी सब महंगा मिला और ये इसको इन लोग पूरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि सारे प्राइवेटाइजेशन के साथ जा रहा है नरेंद्र मोदी का। वो अपने बड़े बड़े कारोबारियों के साथ ये करना चाह रहे हैं। किसान अपने ही खेत में मजदूर बन के रह जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के खातिर वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े कारोबारियों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दोनों के बीच में अगर विवाद होता है तो वो आखिरी तक SDM कलेक्टर तक ही जा पाएगा, कोर्ट कचहरी थाना नहीं जा पाएगा। इसलिए हम इसको विरोध करते हैं क्योंकि ये पूरा विरोधी कानून है। और आपको ये बता दूं हरसिमरत कौर उनके जो केंद्रीय मंत्री वो खुद इस्तीफा दे दिए, मतलब मान के चलिए पार्टी के अंदर ही जब गलत हो रहा है तो पूरा गलत बिल है। ये सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी के लिए और बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल पास कराया गया है। इसीलिए एक नारा बोलिए, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।